दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब ने एक बार कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और निश्चित ही आपकी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। और बेशक इस बात में वो सच्चाई है, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, और हम वह कर्म करते हैं जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं। आज हम बात करेंगे तीन ऐसी हैबिट्स के बारे में जिसका हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप भी इन तीन आदतों को अपनी डेली लाइफ में उतार लें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो द नंबर वन हैबिट इज़ डू मोर टॉक लेस, कम बोलें और काम ज़्यादा करें। इंग्लिश में एक कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नोइज़। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट एक दिन पूरी दुनिया को बता देगा कि आपने अकेले में क्या किया है। आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देख लो, वो कभी भी चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताता नहीं है कि मैं यह कर रहा हूँ या मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, क्योंकि उसे कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका रिज़ल्ट पूरी दुनिया को ऑलरेडी बता देता है कि उसने क्या किया है। आपको किसी से भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर लगाना है। आपके कर्म आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं, इसलिए कर्म करें बातें नहीं। सेकंड हैबिट इज़ दे यूज़ देयर टाइम प्रॉपरली। मार्क जकोबर्ग के बारे में शायद आपको यह बात पता होगी कि वो डेली एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, जबकि उनके पास इतना पैसा है कि न जाने वो कितनी फैक्ट्री खरीद सकते हैं कपड़ों की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कपड़े रोज़ पहनते हैं। ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लाखों करोड़ों की कम्युनिटी है, तो मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट समय इन फालतू चीज़ों में क्यों वेस्ट करूँ? आज मैं कौन से कपड़े पहनने हैं, कल कौन से कपड़े पहनने हैं, ये चूज़ करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए उन्होंने यह संकल्प लिया कि वो ज़िंदगी भर एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, और उनका यह मानना है कि ये चीज़ उनकी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सा टाइम उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। वो एक एक मिनट के बारे में सोचते हैं कि हाउ टू यूज़ वन मिनट प्रॉपरली, और हम कई कई बार घंटे, दिन, महीने बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और रिग्रेट्स तक नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फुर्सत में हैं, लेकिन समय फुर्सत में नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा से समय दे सके, इसलिए अपने टाइम का सही सही यूज़ करें और इसको अपनी आदत बना लें कि हर एक घंटे को, हर एक मिनट को सही से यूज़ करें। नाउ द हैबिट नंबर थ्री इज़ दे ऑल आर लाइफ टाइम लर्नर्स। लुक एट एनी सक्सेसफुल लीडर इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल आर लाइफ टाइम लर्नर्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, जेफ बेजोस, मार्क जकोबर्ग, बिल गेट्स, एनी सक्सेसफुल लीडर इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल आर लाइफ टाइम लर्नर्स। उन्होंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उस इंसान की तुलना जिंदा लाश से की गई है। बिल गेट्स हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट साहब हर दिन 5 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, जबकि बिल गेट्स की एज है 66 ईयर्स और वॉरेन बफेट साहब की उम्र है 91 ईयर्स। इस उम्र में भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, और उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा भी था, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आती है लर्निंग से। जितना आप सीखते हो उतना ही आप ग्रो करते हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सीखना मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है उसके सामने कितने ही बड़े बड़े फेलियर क्यों ना आ जाएं, उन सब से पार आके एक दिन जीत हासिल कर ही लेगा। इसलिए कभी भी सीखना न छोड़ें। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।